रावण को अपने काल का सर्वश्रेष्ठ विद्वान और तपस्वी माना गया है। यह बात अलग है कि उसके बुरे कर्मों के कारण उसका पंडिताइत भी उसकी रक्षा नहीं कर पाया। रावण के बारे में अनेक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि रामायण में कुछ ऐसी जगहों का वर्णन मिलता है जहां रावण के जीवन की प्रमुख घटनाएं घटित हैं। आज हम उन्हीं में से 5 प्रमुख घटना और उनसे जुड़ी घटनाओं के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब राक्षस राज रावण ने सभी राजाओं को जीत लिया तब वह महेश्वती नगर के वर्तमान महेश्वर के राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन को जीतने की इच्छा से उसके नगर गया। उस समय सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी पत्नियों के साथ नर्मदा नदी में क्रीड़ा कर रहा था। रावण को जब पता चला कि सहस्त्रबाहु नहीं है तो वह युद्ध की इच्छा से वहीं रुक गया। नर्मदा की जलधारा देखकर रावण ने वहां भगवान शिव का पूजन करने का विचार किया। जिस स्थान पर रावण भगवान शिव की पूजा कर रहा था वहां से थोड़ी ही दूर सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। सहस्त्रबाहु अर्जुन की 1000 भुजाएं थी। उसने खेल खेल में नर्मदा का प्रवाह रोक दिया जिससे नर्मदा का पानी तटों के ऊपर चढ़ने लगा। जिस स्थान पर रावण पूजा कर रहा था वहाँ भी नर्मदा का जल में डूब गया। नर्मदा में आई इस अचानक बाढ़ के कारण को जानने के से रावण ने अपने सैनिकों को भेजा। सैनिकों ने रावण को पूरी बात बता दी। रावण ने सहस्त्रबाहु अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। नर्मदा के तट पर ही रावण और सहस्त्रबाहु अर्जुन में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में सहस्त्रबाहु अर्जुन ने रावण को बंदी बना लिया। जब यह बात रावण के पितामह दादा पुलस्त्य मुनि को पता चली तो वह सहस्त्रबाहु अर्जुन के पास गए और रावण को छोड़ने के लिए निवेदन किया। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने रावण को छोड़ दिया और उससे मित्रता कर ली। शिव पुराण के अनुसार रावण भगवान शिव का भक्त था। उसने बहुत ही कठिन तपस्या की और एक एक करके अपने मस्तक भगवान शिव को अर्पित कर दिए। उसकी इस तपस्या से शंकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उसके 10 सर भगवान ने फिर जोड़ दिए। रावण ने भगवान से वरदान के रूप में भगवान शिव को अपने साथ लंका ले जाने की बात कही। भगवान शिव ने रावण की बात मान ली लेकिन रावण के सामने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि अगर रावण ने भगवान शिव के शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी जमीन पर रख दे तो भगवान शिव उसी जगह स्थापित हो जाएंगे। रावण ने भगवान शिव की शर्त मान ली और शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चल दिया। यह सूचना मिलते ही देवताओं में खलबली मच गई। यदि भगवान शिव लंका स्थापित हो जाएंगे तो लंका को हरा पाना किसी के लिए भी असंभव नहीं हो जाएगा। ऐसे में रावण को कोई भी नहीं हरा पाएगा। इसी परेशानी के हल निकालने के लिए सब भगवान विष्णु के पास पहुँचे। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु को किसी भी तरह से रावण को शिवलिंग लंका ले जाने के लिए रोकने की प्रार्थना की। देवता की प्रार्थना पर भगवान विष्णु एक ब्राह्मण का वेश धारण कर धरती पर चले गए। साथ ही वरुण देव ने रावण के पेट में प्रवेश किया। जैसे ही वरुण देव रावण के पेट में घुस गए रावण को बड़ी तीव्र लघुशंका लगी। लघुशंका करने से पहले रावण को शिवलिंग किसी के हाथ में देना था। तभी वहां से ब्राह्मण वेश में भगवान विष्णु गुजरे। रावण ने उन्हें थोड़ी देर शिवलिंग पकड़ने का आग्रह किया। वह खुद लघुशंका करने चले गए लेकिन उनके पेट में तो वरुण देव घुसे थे। रावण के बहुत देर तक न आने पर ब्राह्मण ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। जैसे ही शिवलिंग नीचे स्थापित हुआ वरुण देव रावण के पेट से निकल गए। रावण जब ब्राह्मण को देखने आए तो देखा कि शिवलिंग जमीन पर रखा हुआ है और ब्राह्मण जा चुका है। उसने शिवलिंग उठाने की कोशिश की लेकिन शर्त के अनुसार भगवान शिव उसी जगह स्थापित हो गए थे। आखिर में क्रोध में होकर रावण ने शिवलिंग पर पुष्टि प्रहार किया जिससे वह जमीन में धंस गया। बाद में रावण ने क्षमा मांगी। कहते हैं कि वह रोज लंका से शिव पूजा करने के लिए वैद्यनाथ आता था। जिस जगह ब्राह्मण ने शिवलिंग रखा था वही जगह आज शंकर भगवान का शिव मंदिर है जिसे वैद्यनाथ धाम कहते हैं। पंचवटी नासिक जिला महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के निकट स्थापित एक प्रसिद्ध पौराणिक स्थान है। यहाँ पर भगवान श्री राम लक्ष्मण और माता सीता सहित अपने वनवास काल में काफ़ी दिनों तक रहे थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार यहीं से लंका के राजा रावण ने माता सीता का हरण किया था। रावण ने मारीच नाम के राक्षस को सीता मैया हरण की योजना में शामिल किया। उसने सोने की हिरण का रूप धारण किया।
सीता मैया उस पर मोहित हो गई। सीता मैया ने राम जी को उस हिरण को लाने को कहा। बाद में राम के लौटने पर लक्ष्मण उन्हें खोजने वन में गए। रावण साधु का वेश धारण कर आया और सीता मैया का हरण कर ले गया। यही श्री राम का बनाया हुआ एक मंदिर खंडर रूप में विद्यमान है। एक बार रावण ने सुना कि किष्किंधापुरी का राजा बलि बड़ा ही बलवान और पराक्रमी है, तो उसके पास युद्ध करने के लिए जा पहुंचता है। बाली की पत्नी तारा, तारा के पिता सुसैन, युवराज अंगद और उसके भाई सुग्रीव ने रावण को समझाया कि इस समय बाली नगर के बाहर संध्या ओपन के लिए गए हुए हैं, वे ही आपसे युद्ध कर सकते हैं। अन्य कोई वानर इतना पराक्रमी नहीं है जो आपके साथ युद्ध कर सके, इसलिए आप थोड़ी देर उनकी प्रतीक्षा करें। साथ ही सुग्रीव ने रावण को बाली की ताकत सक्षमता के बारे में बताया। दक्षिण की तट पर जाने को कहा, लेकिन बाली वहीं पर था। सुग्रीव ने वचन सुनकर रावण विमान पर सवार होकर तत्काल दक्षिण की ओर स्थान पर पहुंच गया, जहां बाली संध्या आरती कर रहा था। उसने सोचा कि मैं चुपचाप बाली पर आक्रमण कर दूंगा। बाली ने रावण को आते देख लिया, लेकिन बाली बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ और वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता रहा। जैसे ही उसने पकड़ने के लिए रावण की पीछे हाथ बढ़ाया, लेकिन बाली ने उसे पकड़कर अपनी काख में दबोच लिया और आकाश में उड़ गया। रावण बार बार बाली को अपने नखूनों से कचोटता रहा, लेकिन बाली ने उसकी कोई चिंता नहीं की। तब उसे छुटाने के लिए रावण के मंत्री और सिपाही उसके पीछे शोर मचाते हुए दौड़ने लगे, लेकिन वह बाली के पास तक नहीं पहुंच सके। इसी प्रकार बाली रावण को लेकर दक्षिण सागर के तट पर पहुंच गया। वहां उसने संध्यापन पूरी की। फिर वह दशानंद को लिए हुए किष्किंधा लौटा। अपने उपवन में एक आसन पर बैठकर उसने रावण को अपनी काख से निकालकर पूछा कि आप कहिए कौन हैं और किस लिए आए हैं। रावण ने उत्तर दिया, मैं लंका का राजा रावण हूँ और आपसे युद्ध करने के लिए आया था। मैंने आपका अद्भुत बल देख लिया है, अब मैं अग्नि को साक्षी मानकर आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। फिर दोनों ने अग्नि की साक्षी मानकर एक दूसरे से मित्रता कर ली। कहा जाता है कि एक बार रावण ने घोर तप करने के लिए कैलाश पर्वत को ही उठा लिया था। वह पूरी पर्वत को ही लंका लेकर जाना चाहता था। फिर समय शिवजी ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबा लिया। कैलाश फिर वहाँ जहाँ था वहीं स्थापित हो गया। शिव के अनन्य भक्त रावण का हाथ दब गया, तब वहाँ अपनी भूल के लिए भगवान शिव से माफ़ी मांगने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। वही स्तुति आगे चलकर शिव तांडव कहलाई। कैलाश मानसरोवर पर रावण के कई वर्षों तक तपस्या करने का वर्णन ग्रंथों में मिलता है। तो दोस्तों, आप लोगों को दशानंद महा रावण की यह कथा कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दें। और आप लोग अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करते रहें। सभी का दिल से धन्यवाद। महादेव आप सभी के कष्ट दूर करें। हर हर महादेव। सभी का दिल से थैंक यू और धन्यवाद।